हेलो दोस्तों दोस्तों कल का मैच अगर आपने नहीं देखा ना तो सच मानिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कल का जो मैच था उसका लास्ट ओवर जो था ना वो इतना रोमांचक था कि मज़ा आ गया। और खासकर विराट कोहली की बैटिंग, मतलब दिल जीत लिया भाई। इतने लंबे समय के बाद विराट कोहली का कोई ऐसा बैटिंग देखने को मिला और कौन छोड़ सकता है। अगर आपने नहीं देखा ना तो कोई बात नहीं है, आज आप हमारे साथ लास्ट ओवर देखिए जब एक बॉल पर कुछ ही रन चाहिए थे। और ये रोमांचक मैच जो था वो किसी को मिस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा रोज रोज नहीं मिलता देखने को। चलिए सबसे पहले हम वो लास्ट ओवर की एक गेंद वाली मैच देख लेते हैं और ये भी देखेंगे कि मैच के बाद क्या हुआ, क्योंकि कल विराट कोहली को जितना इमोशनल हमने देखा, हमें मुझे याद नहीं कि इससे पहले कब ऐसा कुछ देखा था विराट कोहली को इतना इमोशनल। हार्दिक पांड्या तो रोने भी लगे थे। ये सब कुछ हुआ था कल के मैच में। अब आप समझ गए होंगे कल का मैच कितना रोमांचक था। चलिए सबसे पहले वो लास्ट ओवर का एक गेंद देखते हैं जब एक ही रन चाहिए था, क्या क्या हुआ, बने रहिए। एक गेंद एक रन और ये ओहो इंडिया जीत गई, क्योंकि कोई नहीं रोक पाया इस बॉल को। अश्विन का भी जवाब नहीं भाई साहब, इतने प्रेशर वाले मैच में अश्विन ने कैसे सिंगल ले लिया देखते ही बन रहा है। मुझे तो लगा था शायद ये अश्विन बीट हो जाएगा या डॉट हो जाएगी पूरी तरह से गेंद, क्योंकि अश्विन पे मुझे उतना भरोसा था नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं विराट कोहली का भी अलग ही जुनून है, कितना खुश है, और जो रिएक्शन है ना उस चीज़ को एक्सप्रेस करने का जो उनका तरीका है इस जीत के बाद, वो देख के काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि उनको भी शायद ये उम्मीद तो थी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि इंडिया इस मुहाने पर आके फंसेगा और मैच जीत भी जाएगा। और दुख इस बात का हुआ कि विराट कोहली को मैच जिताना चाहिए था, लास्ट बॉल उन्हें खेलने का मौका मिलना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सारे टीम के जो मेंबर हैं, खासकर वो प्लेयर जो अभी बैठे हुए थे, बट उनके अंदर भी उसी तरह का जोश और जुनून दिख रहा है। विराट कोहली का ये वाला रूप देख के तो मज़ा ही आ गया। लेकिन एक बात फिर भी मैं कहूँगा कि हमारे ओपनर जो थे, चाहे वो केएल राहुल हो, रोहित शर्मा रहे हो, ये हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बेकार खेलते हैं, ये पता नहीं कब अच्छा खेलेंगे। और मिडिल ऑर्डर खासकर विराट कोहली एक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान के साथ, ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं हमेशा। ये देखिए विराट कोहली किसी को दुआ दे रहे हैं, शायद भगवान से ही कुछ मांग रहे हैं। खुश तो बहुत होंगे, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना आने वाले कई साल तक याद रखा जाएगा। और कोई नहीं सोच सकता था कि मतलब इंडिया मैच जीत जाएगी, क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा था कि इंडिया ने मैच जीतने वाला काम किया है और जीतना भी चाहिए। लेकिन मिडिल ऑर्डर खासकर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से साझेदारी निभाई है ना, मज़ा आता है। और ऐसे ही मैच देख के सच में बहुत मज़ा आया। और भले ही पाकिस्तान मैच हार गया हो, लेकिन पाकिस्तान को भी काफ़ी बधाइयाँ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का टफ टाइम इंडिया को दिया है ये देख के बहुत मज़ा आया। क्योंकि एक तरफा मैच अगर हो जाता ना, सच बता रहे हैं, मज़ा तो नहीं आता भले ही इंडिया जीत गई होती, लेकिन एक तरफा मैच नहीं हुआ, बिल्कुल कांटे का मैच था और आखिरी बॉल तक मैच बचा था। और एक समय तो ऐसा लगा कि हो सकता है ये सुपर ओवर के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं सारे प्लेयर एक साथ हैं और काफ़ी खुश भी हैं, हालांकि पाकिस्तानी प्लेयर थोड़े से निराश होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें उनका मैच भी उतना ही अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही मैच खेलेंगे और इंडिया को ऐसे ही टफ टाइम देंगे, क्योंकि जीतने का मज़ा तभी है जब सामने एक अच्छी टीम हो, वरना आप किसी छोटे मोटे टीम से जीत जाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए विराट कोहली अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि हमने देखा है वो खेल के समय जितने अग्रेसिव रहते हैं, लेकिन गेम खत्म होने के सडन बाद ही उनका रिएक्शन बिल्कुल बदल जाता है। वो किसी भी देश के प्लेयर से मतलब किसी तरह का ईर्ष्या नहीं रखते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव की तरह से, जैसे एमएस धोनी है, बिल्कुल कूल होकर रिएक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, हाथ मिलाते हैं। अक्सर ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि कई बार झगड़ा हो जाने पर ग्राउंड में लोग उसको काफ़ी दिनों तक याद रखते हैं, जो कि क्रिकेटर के हिसाब से अच्छा नहीं है। ये देखिए किंग कोहली का बल्ला और लहराते हुए, मज़ा आ गया भाई साहब, बहुत दिनों बाद किंग कोहली को ऐसे दहाड़ते हुए देखने को मिला है, सच बता रहे हैं दिल खुश हो गया। और सबसे बड़ी बात पूरे इंडिया के लिए, खासकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए, ये विराट कोहली की तरफ से सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट है। खासकर पाकिस्तान के लिए तो हो सकता है सड़ने वाली बात हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खेला है वो बहुत अच्छी रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो देख लिया होगा। बात करते हैं कि कल जो चमत्कार हुए हैं और जिस तरह से इंडिया ने मैच खेला है,
उसको तो बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि इंडिया इस तरह से खेलेगा और ये मैच जीत जाएगा। बट जो कहते हैं ना क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, वो सही कहते हैं, क्योंकि भाई साहब इस तरह के अगर मैच कोई टीम खेलती है तो फिर तो यही कहना पड़ेगा कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर इंडिया की जीतने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी वहां पर भी इंडिया अगर जीत रही है तो फिर क्या कहोगे भाई साहब, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। और हमारे बॉलर अर्शदीप की बात करें, अगर हार्दिक पांड्या की बात करें, तो इन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छा किया है। हालांकि अर्शदीप के बारे में मुझे बुरा लगा, क्योंकि कुछ लोग उन्हें पिछले मैच में पाकिस्तान के साथ जो मैच था तो एक दो परफॉर्मेंस उसके ख़राब हुए और लोग उन्हें खालिस्तानी या आतंकवादी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई एक दो मैच से किसी को जज मत कर लिया करो, कभी कभार गलतियाँ होती हैं। और अर्शदीप तो अभी काफ़ी नया प्लेयर है, तो जाहिर सी बात है हाई प्रेशर मैच में जब केएल राहुल, रोहित शर्मा जैसे लोग कबाड़ा कर देते हैं तो वो तो बिल्कुल अभी उनके सामने बच्चा ही है, हो जाता है। लेकिन अर्शदीप ने जैसे बैकअप किया है, चीज़ों को कवर किया है और अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में ला के रखा है, मतलब तारीफ के काबिल है, मज़ा आ गया। क्योंकि अर्शदीप नहीं होता तो विश्वास करिए ये जो स्कोर आप 160 का देख रहे हैं ना, यही पाकिस्तान 200 तक ले गया होता, क्योंकि बाबर और रिजवान उनके दो ही ऐसे प्लेयर हैं जो रन स्कोर करते थे और फिलहाल का लोन नहीं चले। और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ने भी जिस तरह से स्कोर किया है और विकेट लिए हैं, मज़ा आ गया। दोनों की साझेदारी ना, मतलब बता रहे पूरा मैच बना दिया, वरना मैं तो टीवी बंद करके एकदम आराम से सोने वाला था, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने कबाड़ा कर चुका है। अब इसमें देखने वाली कोई ऐसी बात है नहीं जो देखनी चाहिए। फिलहाल आपने भी एंजॉय किया होगा, हमने भी खूब एंजॉय किया। आज दिवाली है तो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, भाई साहब कल का मैच कल ख़त्म हो गया। अब दिल में ज़्यादा कसर ना रखना, अब अगले मैच की तैयारी करो, फिर मिलते हैं। और हम सबकी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली, आप भी खुशियाँ मनाइए, अपने घर दिया जलाइए और मस्त रहिए। अगली बार और अच्छे से प्रिपेयर होकर आइएगा, फिर से खेलेंगे, मज़ा आएगा। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह से ही लीजिए, अब ये नहीं कि झगड़ा करते रहिएगा ट्विटर पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, ये सब बेकार की बातें हैं। एक अच्छा प्लेयर ग्राउंड की बात बाहर आके नहीं करता, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और यही क्रिकेट को अच्छा भी बनाता है। आप क्या सोचते हैं विराट कोहली की इस बैटिंग के बारे में, पूरी टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको हमारी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और हंसते खुशते दिवाली मनाइए। धन्यवाद।